अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग इस्लामाबाद में है और इस्लामाबाद में डॉक्टर शानी साहब है हमारे साथ। तो आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद F7 सेक्टर में। तो इधर हम जा रहे हैं होटल, कौन सा होटल है? राकापोशी। मस्त प्लानिंग। राकापोशी पे जा रहे हैं बुफे करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जाके देखते हैं क्या होता है। तो उसाम भाई भी साथ है, वॉशरूम में गए हुए हैं। तो वॉशरूम के बाहर हम दोनों खड़े हैं। तो आते हैं तो फिर उसाम आपको सारा मतलब के जैसे जाएंगे आएंगे सब विजिट कराएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं बाद में। उसाम आप तैयारी कर रहा है, तो तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। गाड़ी वाला बाहर पहुंच गया, तो हम जा रहे हैं गाड़ी वाले के पास। देखो उसाम जा रहा है, गाड़ी वाला बाहर इंतजार कर रहा है, उसका फोन आ रहा है। चलते हैं आगे। बस गाड़ी जा रहे हैं राकापोशी की तरफ। हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ, राकापोशी बुफे हाइट्स पे ऊपर है। तो राकापोशी हाइट्स उसका नाम है। अच्छा, नाम है उसका। तो वो ऊपर है, वो वाला होटल है। तो हम पैदल जा रहे हैं, तो हमने शाम भाई हैं और शानी भाई हैं मेरे साथ। तो हम जा रहे हैं ऊपर उसका, वो तो फ्लोर पे है। उधर जाके हम मिलते हैं शाम। ए टी एम शाम को ने देखा और भागना, ए टी एम की तरफ भागना शुरू कर दिया। यार टेस्ट अच्छा हो। यार मैं तो जो हूँ ना, इतना हेड नहीं है। फी हेड 5,000 रुपया है फी हेड। तो 5,000 रुपये में जो है ना, शानी भाई और मैं, हम दोनों ने ना, मैंने कहा ना होटल वालों को काटा तो इस बार जरूर पड़ेगा। नहीं कह रहा था जी के आप लोग कम खाएं ज्यादा खाएं। यार 5,000 हेड है, तो हम फ्री उनको पैसे दे के आ जाए। खाना तो है, पैसे पूरे करो। तो शाम भाई ऊपर है। हाँ भाई, अब नीचे आ रहे हैं। उसाम भाई क्या बताना चाहते हो, मतलब कि इतना पर हेड है 5,000 रुपए, तो इतना हमने खाना है, ये मतलब कि बताओ ना इनको, पैसे तो पूरे करने हैं यार, थोड़ा सा कमेंट दे दो। मुंह कैसे तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, बना ले यार बिल, मैं दे दूंगा। शानी भाई बिल मैं दे दूंगा यार, आप इसमें मुंह कैसा बना बात है यार, बता दिल का मालिक यार। चलो दिल नहीं है, गटर है या कभी भी भरता। उसाम जो है ना परेशान हो गया था, तो मैंने कहा यार इतना पर हेड तो मुझे 5,000 रुपया। अच्छा मुझे नहीं पता था कि 5,000 रुपये पर हेड है यार यहाँ पे। तो मैं कह रहा ना मैं दे दूंगा पर हेड। पर एक बात बता दूं राकापोशी वालों, 5,000 रुपये ले लो, 10,000 का अकेला खाना खाऊंगा। चला जी आप लोगों से, याद रखिएगा। हाँ भाई खाना खाना अच्छी तरह। शानी भाई आपकी कहानी, चलो यार समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। राकापोशी पहुंच चुके, तो आपको ये सेटअप तरीका बताते हैं सब कुछ। आपको रिसेप्शन किधर है आपकी? सब भाई शाम भाई बैठो आप इधर, शाम भाई बैठे, शानी भाई बैठे आप इधर। तो स्टार्ट है, चले हम बुकिंग पहले रिसेप्शन होगी, बस हो गया, चले चलो कैमरे पे। तो शानी भाई और उसाम भाई बुफे की तरफ जा रहे हैं। तो हम जो है ना, ये बुफे के लिए है सामान सर लगा हुआ, तो ये देखाने लगे मैं इधर सारे। शानी भाई जो है, उसाम भाई इधर है, बस ये आइटम है, बस ये आइटम। शानी और जो है ना, शानी भाई इनको ना कोई मूड नहीं बन रहा यार। क्यों नहीं मूड आपका बन रहा इधर यार? शानी का मूड इधर बन रहा है या ना मेरा मूड बन रहा है? शानी भाई आप क्या कहना चाहते हैं बताते हैं? उसाम भाई आप क्यों इधर बनाना चाहते हैं, क्या आपका मसला क्या? सोचा था 30-20 प्लस आइटम्स ले रहे थे, 20 प्लस बन नहीं रही आइटम्स। शानी भाई आप कितने और चले जाएंगे? नहीं नहीं इधर ही इंशाल्लाह ले रहे हैं। उसाम भाई आप क्या लेना चाहते हैं? सूप आप तुम सूप मेरे लिए डाल दो। सूप इधर से सूप डाल लिया, शानी सूप डाल लिया, शानी का ये बड़ा है। और शानी का फिर कुछ कोई प्लेट ले कर आ रहा है। हाँ पहले हमने सूप डाला है शानी और जो है ना उसाम। सूप कैसा टेस्ट है शानी भाई सूप का? अच्छा शाम भाई कैसा है? अभी ट्राई कर रहा हूँ सूप, तो ट्राई करता हूँ आपको टेस्ट बताता हूँ सूप का कैसा टेस्ट है। यम्मी, मज़ा आ गया यार। शानी और उसाम फिर उठ चुके हैं, लेटर ले रहे हैं, लेटर लेकर जा रहे हैं खाने की तरफ। तो उसाम आप क्या खाना पसंद करेंगे? अच्छा तो मैं आपको
शाम जा रहे हैं बारबेक्यू की तरफ। इधर लगा हुआ है कुछ तैयार है तो उसने कहा है कि ठंडा है तो कोई और चीज़ इस्तेमाल कर लो। तो ये कस्टर्ड है, ये भी है, ये भी कुछ है। यार नहीं आप शाम क्या ले रहे हो आप? मैं फ्राइड राइस ले रहा हूँ। अच्छा और क्या ले रहे हो? दोनों ले रहा हूँ। ये ले रहा सही, आप क्या ले रहे हो? शाम और भी कुछ ले लो यार, थोड़ा थोड़ा ले रहे हो सब। नहीं क्या हो रहा है, मैंने खिचकाया यार। शाम भाई कैसा टेस्ट है ओके? शानी भाई कैसा है इसका? यार ये मैं अपने के लिए डाल के लेकर आया हूँ तो इसको मैं अब चेक करूँगा इसका मज़ा कैसे आ रहा है, कैसे लग रहा है। शानी भाई जो है ना इसके बारे में लेकर आ रहे हैं। शाम भाई शानी भाई ने बारे में लेकर बारे में पढ़ाई कर शाम आते थे साइड बारे में लेकर आया उसको। अब वो चीज़ें और भी देना यार, इतना मज़े का नहीं है जितना हम समझ रहे हैं ना कि इतना मज़े का होगा, उस लेवल का नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा यार। चीज़ें मतलब लेवल की नहीं। शाम को बहुत गुस्सा हुआ तो शाम की तरह मज़ा नहीं आ रहा। शाम ने कहा शानी अपना लेकर आया तो मैं अपना लेकर आता हूँ। तो शाम अब गया है उधर से लेने के लिए तो गया है, वो अपना लेने के लिए गया तो शाम कहना मैंने अपना खाना तुमने अपना खाना, शाम लेकर आ रहा है तो अभी कहता ही था ना यार यार ना बारबेक्यू तो अच्छा है तो बारबेक्यू भी हम खा रहे हैं, टेस्ट वही खा रहे हैं वो भी तो अच्छा है, बाकी इनका टेस्ट उस लेवल का नहीं है। मैं जा रहा हूँ बारबेक्यू लेने के लिए तो बारबेक्यू मैं ले आता हूँ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, शाम लोग बैठे हैं इधर, मैं तो अपने लिए लेकर आ गया हूँ इधर ना इस तरीके से लेने का रहा है। इनकी स्टे कबाब मलाई बोटी का बिल्कुल टेस्ट नहीं, मलाई बोटी के अंदर हड्डी डाली है वो भी बेकार किस्म की। इधर तो देखें ये हड्डी डाली हुई मलाई बोटी के अंदर, अच्छा टक्के का टेस्ट नहीं आ रहा इसके, ना कबाब का ना मलाई बोटी। शानी भाई आप क्या कहना चाहते हैं? नेक्स्ट टाइम कभी इस तरह का बारबेक्यू फेल है। अच्छा फेल है। ये सब बंद हो गया? ये मंचूरियन चौक नहीं पता ये क्या चीज़ है, शाम में डाली है ये, शाम में डाली है तो फिर क्या चीज़ है? तस्वीर। हाँ शाम भाई बताओ इस आइटम की कोई आया मजा है क्या? कोई ना ठीक है तो मैं भी चेक करता हूँ क्या क्या मज़ा है। तो मुझे यार इतना पसंद नहीं आया, अब ये लेकर आया हूँ तो देखते पसंद मतलब यार इतना अच्छा नहीं था इतना हमने। लेकिन मेरे भाई जान वो इस तरह है ना अमेरिका ड्रग देते हैं है ना? अच्छा डायरेक्ट अमेरिका से आ रहे हैं। हाँ जी जेब साहब मज़ा आ रहे हैं? इतना खास नहीं है लेकिन गुजारा मज़ा रहा है, जो चीज़ें हम चाहते थे वो नहीं मिले। जी उसाम साहब ठीक है लेकिन आप लोग यहाँ पे मत आइएगा अगर मम्मी डैडी नहीं है। यहाँ पे कौन लोग आ सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ मम्मी डैडी लोग आ सकते हैं या बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी जेब की तरह वो आ सकते हैं, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग नहीं आ सकते। जेब की तरह के लोग आ सकते हैं। मैं यार ना थोड़ा थोड़ा खाता हूँ तो ये चीज़ होती है जो हम लोग आते हैं ना, ये इन चीज़ों की तुम्हें आदत है ना, ये मंचूरियन घर में खाते रहते हैं, ये तो हमारे घर में चलती रहती है। आम सी बात है, आम सी बात जो इन लोगों को पता नहीं ना फिर इनके लिए और चीज़। अच्छा इनको दिखाने के लिए मुझे और शाम को आप खिलाने के लिए ले कबाब और टिक्का मंगवाया तो इनकी टिक्का और मलाई बोटी जो है ना बिल्कुल बकवास है, मुझे तो पसंद नहीं आई ना। शानी को पसंद नहीं बात कबाब थोड़े से बेहतर है तकरीबन बार भी मतलब कि मलाई बोटी का मतलब होता है मलाई नरम नरम मुँह के अंदर जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन यहाँ पे हड्डी के अंदर फिर रही है और उसको सख्त इतनी है कि वो
क्योंकि ये लाइव करते हैं लेकिन दो तीन दफ़ा गर्म करने की वजह से ना तो ये इसका टेस्ट बिल्कुल बकवास हो जाता है। असल में इनका मसला ये इन्होंने बारबेक्यू पहले थोड़ा तैयार करके रखा हुआ है, दोबारा बार बार उसको गर्म कर करके ना गर्म कर करके वो फिर जल जाता है, हाँ उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, टेस्ट खराब। अभी हम लोग जाने लगे कुछ मीठा करेंगे और उसके बाद फिर बताते हैं मीठा इंजॉय कैसे। बाकी तो ये ठीक था, ये ठीक था, बाकी मीठा शक्कर का वो ये सेवई है और वो कस्टर्ड है। इतने कोल मीठी शायद भाई दिए कैसा टेस्ट इस सेवई का, मीठा बनाना आसान होता है, मीठे का टेस्ट ही। हाँ जी उसाम ठीक है, हाँ जी देव साहब मीठे का टेस्ट थोड़ा सा ठीक है, बाकी किसी चीज़ का नहीं है टेस्ट, मीठा ठीक है, जब मीठा वैसे ही अच्छा लगता है, मीठा जो होता है बॉडी लग जाता है ना। अब हम जा रहे हैं वापस, अच्छा खा लिया हमने यार, आप क्या बताएं, हम गलत फैमिली में रह गए थे साहब, गलत फैमिली में रह गए ना, टेस्ट मज़ा नहीं आया। सब्सक्राइब माई YouTube चैनल देश परदेश, बाया कर दो सब्सक्राइब, कर दो यार मेहरबानी, कर दो यार सब्सक्राइब के बटन पे दबा दो, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कर दो।